गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्षितिज में स्थित कविता नंबर 15 है, जिसका शीर्षक है मेघ आए। मेघ आए कविता में हम आपको अभ्यास के प्रश्न उत्तर करवाएंगे। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 का उत्तर, यहाँ प्रश्न नंबर 1 है, बादलों के आने पर प्रकृति में किन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है, उन्हें लिखिए। आपको ये पता, बादल के आने पर प्रकृति में क्या क्या क्रियाएं होती हैं। सबसे पहले बादलों के आने से प्रकृति खुश हो जाती है, हवा चलने लगती है, पेड़ों की पत्तियां झूमने लगती हैं, सारा वातावरण सुगंधित और मनमोहक हो जाता है। गतिशील क्रियाएं, हवा नाचती आगे आगे चलती है, पेड़ झुककर गर्दन उचका उचका कर देखने लगते हैं, बूढ़ा पीपल आगे बढ़कर जुहार करता है, ताल हर्षाता है और पानी भरकर लाता है। इसके बाद नदी जो है वो शर्मा करके अपना घूंघट खिसका लेती है, लता शर्मा कर पेड़ की ओट में खड़ी होकर बादलों को बहुत दिनों के बाद आने का उल्हना देती है, और तालाब की जो हर्षादा हुआ पानी लेकर के आया, यानी कि बादल क्षितिज रूपी अटारी तक आए और बिजली कोंद जाती है। यहां पर प्रश्न नंबर 2 निम्नलिखित किसके प्रतीक हैं? नंबर 1 धूल, नंबर 2 पेड़, नंबर 3 नदी, नंबर 4 लता और नंबर 5 ताल। ये किसके प्रतीक हैं? कवि ने इनको किस रूप में चित्रित किया गया है, किसके प्रतीक माना है? यहाँ पर जो धूल है वो घाघरा उठाकर भागने वाली छोटी छोटी बच्चियों का प्रतीक है, यानी कि घाघरा उठाकर भागने वाली छोटी बच्चियों का प्रतीक है। नंबर 2 यहां, नंबर 2 पेड़, पुरुषों का प्रतीक है, जो बादल रूपी मेहमानों को देख रहे हैं। गर्दन उठाकर देख रहे हैं। नंबर 3 नदी, नदी
नायिका का प्रतीक है। जो जो मेहमान को देखकर खिटक जाती है। नंबर चार, ताल। ताल नौकर का प्रतीक है। जो जो मेहमान के पैरों को धोने के लिए पानी लाया है। नंबर पांच, लता। लता लता गृहिणी का प्रतीक है। गृहिणी का प्रतीक है। जो अपने प्रियतम को देर से आने का उल्हना देती है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दो में धूल, पेड़, नदी, ताल और लता, इनके प्रतीक पूछा गया था कि ये किसके प्रतीक माने गए हैं। अब यहाँ पर आता है आपका क्वेश्चन नंबर तीन। क्वेश्चन नंबर तीन, लता के बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों। प्रश्न नंबर तीन, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों। यहां पर लता ने विहनी प्रियतमा यानी कि नायिका की तरह बादलों को देखा और उसने कहा कि आप एक बरस के बाद आए हो, यानी कि आपने एक बरस के बाद हमारी सुध लीनी और हमें तो ये लग रहा था, हमें संदेह था कि आप नहीं आओगे। और उसके बाद आंखों से देखा था जिसे उल्हना भरा, वह इस तरह तिरछी नजर से देख रही थी मानो उसकी आंखों में उल्हना भरा हो। गांव में प्रियतमा का अपने प्रियतम के आने से सबके सामने खुले रूप में मिलने का रिवाज प्राय नहीं होता, इसलिए वह घूंघट की पर्दे की ओट में उसको उल्हना दे रही है। क्वेश्चन नंबर चार, इसका है भाव स्पष्ट कीजिए। भाव स्पष्ट कीजिए, कह है क्षमा करो
खुल गई अब गांठ भरम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, अब भरम की इसका अर्थ स्पष्ट करना है। तो यहाँ पर कवि ने कहा धरती मानो बादलों से कह रही हो कि अब हमें क्षमा करो। अभी तक तो हम ये समझ रहे थे कि आकाश में जो बादल है वो उमड़ घुमड़ कर काले बादल डरावने आ रहे हैं, और जो उमड़ घुमड़ कर बादल आएंगे और बरसेंगे नहीं, पर हमारा यह भ्रम टूट गया है। इससे यह ध्वनि उत्पन्न होती है कि अब तुम्हारे कभी न आने का जो भ्रम हमारे मन में था वह भ्रम टूट गया है। यहाँ पर है ख, बाकी चितवन उठा बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघट सरके, नदी ठिठकी घूंघट सरके। इन पंक्तियों का अर्थ बताना है, नदी अपने प्रवाह को थोड़ा रोक कर ठिटक गई है, यानी कि बहती हुई नदी, इसका प्रवाह बहुत तेज होता है, इसलिए वह हवा के चलने से ठिटक गई। तो नदी को लगा कि बाकी चितवन उठा, वह अपनी चित भरी नजरों से बादलों को देख करके वह ठिटक गई है और उसका मन चंचल हो उठा है, और उसने अपने घूंघट को धीरे से खिसका लिया है, यानी कि वह तिरछी नजर से बादलों को देखने लगी है। यहाँ पर है प्रश्न नंबर 5, मेघ रूपी मेहमान के आने से, मेघ रूपी मेहमान के आने से प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन हुए, प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन हुए। मेघ रूपी मेहमानों के आने से हवा जो थी वो चलने लगी, गली गली में दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे, आंधी रूपी जो बालिका है वो अपना घाघरा उठा करके भागने लगी, बूढ़ा पीपल जो था उसने मेहमानों के आने का सिर झुकाकर अभिवादन किया, वहां के जो युवा वर्ग थे उन्होंने गर्दन उचका उचका कर को मेहमान को देखा, तालाब जो था वो मेहमान के पैर धुलवाने के लिए पानी भर करके लेके आया, नदी जो थी वो शर्मा करके ठिटक गई, उसने अपने मुख पर पल्लू खिसका लिया, लता जो थी, लता एक नायिका के रूप में चित्रित किया गया है, वह देर से आने पर जो बादलों को उलाहना देती है, यानी वो हवा के कारण एक साइड में हो जाती है, यह लगता है कि उसने वो दरवाजे की ओट में हो गई है। वहीं पर प्रकृति में अनेक प्रकार के जो हलचल हैं, नजरों डाल जो नदी है वो तिरछी नजर डालकर बादलों को देख रही है, लता किवाड़ों के पीछे छिप गई है और देर से आने का उलाहना दे रही है, ताल खुशी से मेघों के पैर धोने के लिए, यानी कि मेहमान रूपी बादलों का स्वागत करने के लिए पैर धोने के लिए पानी पर प्रांत भर कर लाता है, जो थे बादल वो अटारी पर, यानी कि क्षितिज रूपी अटारी पर चढ़ गए हैं और वो धीरे धीरे बरसने लगे हैं। तो यहाँ पर नायक और नायिका का मिलन हो गया है और इस प्रकार चारों ओर हरियाली छाई हुई है। इस ये बादलों के आने पर, मेघ रूपी मेहमानों के आने पर जो प्रकृति में परिवर्तन हुए हैं वो यहाँ पर आपको बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, मेघों के लिए बन ठनके, मेघों के लिए बन ठन
केस बन ठनके समर के आने की बात क्यों कही गई है? समर के आने की बात क्यों कही गई है? तो यहां पर कवि ने दामाद की तरह मेघ लंबे समय के बाद लौटे थे, जैसे दामाद गांव में बहुत दिनों के बाद वर्षों के बाद आते हैं, इसी प्रकार गांव के अंदर जो दामाद आते हैं, दामाद रूपी मेहमान बहुत दिनों के बाद आए हैं और सच संवर करके आए हैं, यानी कि उन्हें दामाद की वो उनकी उपमा की है, इसलिए वो बन संवर करके आए हैं, क्योंकि वह गांव के सभी अपने प्रायों पर का अपना व्यक्तित्व प्रभाव डालना चाहते हैं। इस प्रकार मेघों के आने की वन ठन के संवरने की बात कही गई है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 कविता में आए मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। मानवीकरण प्रयोग हुआ है हुआ है कुछ उदाहरण खोजकर बताइए। कुछ उदाहरण खोजिए। यहाँ पर कविता में सबसे पहले उदाहरण है मेघ आए बड़े बंठन के समर के, क्योंकि मेघ जो है वो दामाद रूपी उस मानवीकरण किया गया है। दूसरा, छोटी बच्चियां जो थी वो अपने शर्मा कर घाघरे उठा करके भाग गई हैं, उनको धूल भरी आंधी जो थी उन्हें बच्चियों का प्रतीक माना है। आगे आगे नाचती गाती ब्यार चली, यानी कि मेहमानों के आने की खबर सुनकर जो बच्चियां भाग करके संदेशा देने गई हैं, यह मानवीकरण अलंकार हुआ है। दूसरी पंक्तियों के अंदर जो था कि जैसे जब कोई गांव में मेहमान आता है तो दरवाजे खिड़कियां खुलने लगती हैं, मानो उनके अंदर से कोई झांक करके मेहमान को देख रहा है। बूढ़ा पीपल जो था उसको बड़े बुजुर्ग की उपमा, उससे उपमा की गई है, वहां पर मानवीकरण अलंकार है। जो लोग थे गांव के अन्य युवा व्यक्ति थे वो गर्दन उचका उचका कर देख रहे थे, यानी कि उनको उनकी उपमा दी गई है, वहां पर मानवीकरण अलंकार है। नदी ठिठकी घूंघट सर के, यानी कि वो जो थी विरहनी वो देख करके उनको उपालंब देती है, उलाहना देती है, वहां मानवीकरण अलंकार है। लता जो थी बहुत दिनों के बाद अपने प्रियतम को देख करके खुश हुई है, वो दरवाजे के पीछे ओट ले लेती है, यानी कि हवा चलने से जो बेल होती है वो इकट्ठी हो जाती है एक जगह पर, वहां पर मानवीकरण अलंकार है। फिर ताल जो है बहुत खुश हुआ और हर्षा करके पानी लाया, जब क्योंकि जब बादल आने से पहले हवा चलती है और बादल तालाब का जो कूड़ा कचरा जो कुछ होता है वो सब किनारे पर लग जाता है, तालाब गोल थाल की तरह नजर आता है, तो इस प्रकार वहां पर मानवीकरण अलंकार है। फिर नदी जो थी वो ठिटक जाती है, वहां पर उसको एक नायिका का रूप दिया है, वहां मानवीकरण अलंकार। तो कविता में जितना भी है अधिकतर मानवीकरण अलंकार का ही प्रयोग हुआ है, कहीं कहीं पर अनुप्रास अलंकार या उपमा अलंकार भी इसमें आता है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ आता है आपका 8। क्वेश्चन नंबर है आपका यहाँ 8। 8वें क्वेश्चन में है कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उनका वर्णन कीजिए। कविता में जिन मार्मिक कविता में जिन रीति रिवाजों का जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है हुआ है
उनका वर्णन कीजिए। उनका वर्णन कीजिए। कविता में नगर में रहने वाला विशिष्ट अतिथि यानी कि दामाद जब गांव पहुंचा तो उसका सबने मिलजुल कर स्वागत किया। गांव से बाहर लगे बूढ़े बरगद के पेड़ ने या पीपल के पेड़ ने उनका आगे बढ़कर स्वागत किया, उससे प्रेम भरी बातचीत की। ताल द्वारा उनके पांव धोने का वर्णन पानी प्रांत भर के लाया गया। प्रियतमा एकदम सामने नहीं आई बल्कि किवाड़ के पीछे छिपी रही और उसने मंद स्वर में उन्हें देर से आने का उल्हना दिया। ये रीति रिवाज थे। यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 9। कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान आने का जो रोचक वर्णन किया है उसे अपने शब्दों में बताइए। कवि ने आकाश में जो बादल आए हैं वो एक दामाद का रूप उनको बताया है, यानी कि गांव के अंदर जब कोई शहर से मेहमान आता है तो सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं। वो उसको देखने के लिए अनेक प्रकार के बहाने लगाते हैं, छोटी बच्चियों का भागना, हवा का चलना और धूल घाघरा उठा करके भागती हैं। यहाँ पर छोटी बच्चों की जो है मानवीकरण किया गया है। गांव के अंदर इतना खुशी का माहौल है कि जो पीपल है वो जुहार करता है यानी कि अभिवादन करता है। गांव के जो युवा साथी लोग हैं वो उनका गर्दन उचका उचका करके मेहमान को देखते हैं और शर्मा करके पीछे हट जाते हैं। इसी प्रकार नदी है, नदी भी उन्हें एक अपने तिरछी नज़र से उनको देख करके शर्माती है और ठिठक जाती है, जैसे कोई मेहमान को देख करके गांव की बुजुर्ग औरतें अपना पर्दा कर लेती हैं या ठिठक जाती हैं। इसी प्रकार लता भी देर से आने का उनको उल्हना देती है और वो दरवाजे के पीछे हो जाती है, क्योंकि जिस वक्त हवा चलती है तो दरवाजे के पास में खड़ी होने वाली बेल वो इकट्ठी होकर एक साथ हो जाती है। तो वहां पर ये बड़ा मार्मिक चित्रण हुआ है। फिर मेहमानों के आने की खुशी में गांव घर के जो नौकर, गांव के जो नौकर होते हैं वो भी बड़े खुश होते हैं, वो भी दौड़ करके मेहमान के पैर धुलवाते हैं। इसी प्रकार ताल को बताया गया है। उसके बाद ये जो नदी वो क्या दामनी जो होती है, यानी कि मेहमान के आने पर घर में गांव में इतनी खुशी हो जाती है, दामनी जो होती है वो चमक कर अपना प्रकाश फैलाती है। तो इस प्रकार के अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो इस कविता में मिलते हैं और पूरी कविता के अंदर मानवीकरण अलंकारों का जो प्रयोग हो करके इस कविता की जो छटा है अति दर्शनीय है और बहुत ही सुंदर प्रतीत हुई है। तो यहाँ पर कहा गया है कि कविता में जरी वो जो अभी मैंने प्रश्न बताया था आपको कि किस प्रकार से बादल और गांव में मेहमान के आने का रोचक वर्णन है वो किस प्रकार हुआ है, क्योंकि पेड़ भी झुकने लगते हैं उन्हें देखने के लिए, सब इकट्ठे हो जाते हैं और बादल बरसकर अपने आगमन का संदेश पूरा कर देते हैं। जैसे कोई मेहमान आता है खुशी हो जाती है और फिर उन्हें नदी कहती है कि आपको हमें जो भ्रम था कि आप नहीं बरसेंगे तो अब हमारे भ्रम जो हमारी गांठ थी वो टूट गई है, यानी कि नायक और नायिका का आपस में प्रियतमा का मिलन हो गया, दामाद और प्रियतमा की आंखें भी रिमझिम की प्रकार बरसने लगी हैं। यहाँ पर था क्वेश्चन नंबर 10। इनका काव्य सौंदर्य बताना है। पाहुन जो आए हो गाँव में शहर के, मेघ आए बड़े बंठन के समर के। यहाँ पर इसका उत्तर है, नगर की ओर से बादल बहुत बंठन कर दामाद के रूप में गांव में पधारे हैं और पधारने से सब प्रसन्नता से भर उठे। कवि ने रूपक के प्रयोग से अति सुंदर चित्रण किया है। पाहुन जो आए हो गाँव में शहर के, यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। सुंदर चित्र योजना है, अनुप्रास अलंकार, मानवीकरण अलंकार, उत्प्रेक्ष और स्वाभाविक रूप से प्रकट हुआ है। तद्भव और देशज शब्दावली के प्रयोग से कथन को सहजता प्रदान की गई है। प्रसाद गुण विद्वान है, स्वर मैत्री में गेता है, यानी कि पूरे उसकी कविता की जो भाषा शैली है वो सरल, सहज और स्वाभाविक बन पड़ी है। आगे क्वेश्चन नंबर आता है आपका 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में वर्षा के आने पर अपने आसपास के वातावरण में हुए परिवर्तन को ध्यान से देखकर एक छोटा सा अनुच्छेद लिखिए। आकाश में छाए बादलों को देखकर लोगों का मन प्रसन्न हो जाता है, ठंडी हवा चलती है, वातावरण की गर्मी
खत्म हो जाती है। बच्चे बरसात के मौसम में बाहर घूम घूम कर नहाते हैं, चारों ओर मेंढक और झिंगुर बोलने लगते हैं, ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, यानी कि गर्मी से लोगों को राहत मिल जाती है और मिट्टी की जो भीनी भीनी सुगंध है वह वातावरण में फैल जाती है। गली में जो बहता हुआ पानी है वो गली में तैरने लगता है। जो समय भाव के कारण संभलने से रह जाते हैं, वर्षा की बौछारों से सारे पेड़ पौधे नहा लेते हैं, महीनों से उन पर जमी जो धूल मिट्टी होती है वो उतर जाती है, यानी कि प्रकृति का जो नजारा है अति सुंदर होता है, जो सबके मन को लुभाने वाला बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, कवि ने पीपल को ही बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है, बताइए। दामाद को आज भी भारतीय परिवारों में वैसा ही सम्मान मिलता है जैसा कि कभी प्राचीन काल में मिलता था। जब गांव के अंदर कोई मेहमान आता है या घर में मेहमान आता है तो गांव के जो बड़े लोग होते हैं वो सबसे पहले मेहमान का स्वागत करते हैं, तो इसी प्रकार से वहां पर उन्हीं जैसा मानकर बूढ़े पीपल को बुजुर्ग मानकर उनके जीवन के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन आ गया है। अब दामाद मेहमान सा प्रतीत नहीं होता बल्कि वह परिवार का बेटा ही लगता है, क्योंकि आज समय बदल चुका है। आज दामाद में रोज प्राचीन काल के दामाद में और आज के दामाद में बहुत अंतर हो गया है। पहले दामाद कभी कभी गांव में आया करते थे, लेकिन आजकल तो जमाना ही बदल गया है। आजकल दामाद की जगह जो है वो बेटों ने ले ली है और किसी अब उनके आने पर किसी प्रकार का कोई आडंबर की आवश्यकता नहीं होती। अपने अपने काम में अति व्यस्तता भी इस परंपरा में परिवर्तन का मुख्य कारण रही है। क्वेश्चन नंबर 13, कविता में मेघ को पाहुन के रूप में चित्रित किया गया है। हमारे यहाँ अतिथि यानी दामाद को विशेष महत्व प्राप्त है, लेकिन आज इस परंपरा में परिवर्तन आया है, आपको यह परिवर्तन कैसा लगा और आप क्या अनुभव करते हैं? दामाद को आज भी भारतीय परिवारों जैसा ही विशेष सम्मान दिया जाता है, पहले जैसा था, पर अब सम्मान का जो स्वरूप है या भाव है वो बदल गया। लोगों का जीवन के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन आ गया, क्योंकि अब किसी के पास इतना समय नहीं है कि मेहमान के आने पर वो हर वक्त मेहमान के पास रहे और मेहमान बहुत दिनों के बाद आ। आज तो मेहमान आते हैं तो सबको घर परिवार के सदस्यों को उनके पास बैठने की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये समय सारा आधुनिक गतिविधियों ने ले लिया है, जिसके आगमन पर किसी आडंबर की जरूरत नहीं होती। अपने अपने काम में अधिक व्यस्त रहते हैं लोग, तो इसी प्रकार यहाँ पर बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिले हैं। अब बच्चों यहाँ पर जो ये लेसन था, इस लेसन के सारे प्रश्न उत्तर मैंने आपको करवा दिए गए हैं, अभ्यास वाले भी और रचना अभिव्यक्ति वाले भी। रचना अभिव्यक्ति के 3 क्वेश्चन है, 11, 12 और 13 हैं, और बाकी जो क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है वो आपके अभ्यास के हैं। इन सभी प्रश्नों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और साथ में याद भी करेंगे।